समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मुरादाबाद पहुंचने पर सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बताते चले कि अखिलेश यादव पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी के विवाह समारोह में सपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं पहले से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्वागत के लिए सपा नेता सैयद रईसुद्दीन नईमी ने व्यवस्था कर रखी थी। अखिलेश यादव ने गाड़ी से बाहर निकलकर सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इसके बाद वह पूर्व विधायक के पुत्र के विवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन और देहात विधायक हाजी नासिर कुरैशी के आवास पर पहुंचे। आज मुरादाबाद इनका आगमन हुआ। हाजी यूसुफ अंसारी साहब के बेटे की शादी में आए थे और उनके स्वागत समारोह हमने अपनी फैक्ट्री में रखा था और हम उनके बड़े आभारी हैं। वो हमारे आए, उन्होंने हमें इज्जत बख्शी। जी किस तरह था सुबह हमारे यहाँ पहले आए और उसके बाद वादा करके हम दोबारा आ रहे हैं। क्या मानते हैं चाहता है तो कुछ ना कुछ दे के जाता है और वो यहाँ एक नई जान फूक के गए हैं समाजवादी पार्टी में, ताकि हम 2024 का इलेक्शन जीतें। हमारा टारगेट जो है पार्टी को सर्वोच्च स्तर पर रखना है। आज मैं तमाम शहर के लोगों को और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, सभासदों को, विधायकों को और तमाम पार्टी के पदाधिकारियों को मुबारकबाद देता हूँ, जिस तरह उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया है और बड़े जोश खरोश के साथ, और वो बहुत खुश होकर यहाँ से गए हैं और धन्यवाद दे के गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और सभी लोगों के आभार प्रकट करके गए। साथ ही इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने रास्ते में सपा अध्यक्ष का फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद अखिलेश यादव का काफिला वापसी में नईमी एक्सपोर्ट हाउस पहुंचा। यहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कुछ देर रुक उनका काफिला बरेली रवाना हो गया। पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी जी के पारिवारिक कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूँ। परिवार के सदस्य और जिनका अभी विवाह हुआ, मैं उनको बधाई और मुबारकबाद देकर के आ रहा हूँ। मुरादाबाद, रामपुर और आसपास के जिले ये समाजवादियों के साथ हमेशा रहे हैं। मुझे याद है कि पिछले चुनाव में मैं मुरादाबाद नहीं पहुँच पाया था और कई बार कुछ लोगों से जब बात हुई, उन्होंने यही कहा कि आप दूसरे जिलों को देखिए, यहाँ तो हम आपको जिता करके भेज रहे हैं। मैं मुरादाबाद और आसपास की जनता का बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने उन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी की मदद की और समाजवादी पार्टी के एक एक प्रत्याशी को जिताने का काम किया। हालांकि यूसुफ अंसारी साहब दो बार बहुत करीब से रह करके नहीं जीत पाए, वो परिस्थितियां आप बेहतर समझते होंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ आसपास के जितना भी इलाका है, क्षेत्र है, वो एक बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देगा। जब से बीजेपी की सरकार आई है, अन्याय लगातार बढ़ता जा रहा है और अन्याय चरम सीमा पर है। और कई ऐसे मौके हैं, मैं आपको कन्नौज का उदाहरण दे सकता हूँ। वहाँ पर सरकार के डिप्टी सीएम, सीएम के माध्यम से लगातार संपर्क रहा। वहाँ पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे रहे। एक हत्या हुई, उसके बाद मैंने जिलाधिकारियों को कहा कि अगर हत्या हुई है, उसके दोषी आप लोग हैं, प्रशासन है। और ये बात मैंने इसलिए कही कि अगर प्रशासन सही समय पर न्याय दे दे तो घटनाएं नहीं होंगी। प्रशासन पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है और कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बन के काम कर रहे हैं। वो रामपुर हमारे बगल में आदरणीय आजम खान साहब बैठे हैं, इन पे सब झूठे मुकदमे लगे हैं। इतनी परेशानी, तकलीफ और इस तरह का अन्याय किसी भी राजनीतिक परिवार के साथ नहीं हुआ होगा जितना इनके साथ हुआ है। आज जब मैं आपसे मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, सुबह सुबह मेरे घर पर एक परिवार आया और रोता हुआ आया कि रात में उनके परिवार एक समाजवादी पार्टी के पूर्व में रहे प्रत्याशी उसको उठा लिया है।
पुलिस ने, मैं लखनऊ से चलकर के बरेली, बरेली से चलकर के रामपुर और रामपुर से मुरादाबाद तक मैं फ़ोन मिलाता रहा हूँ, लेकिन अभी तक पुलिस कप्तान का फ़ोन नहीं उठा। सोचिए, अगर पुलिस के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन जाएंगे, उनसे क्या न्याय की उम्मीद करेंगे आप? और ये एक घटना नहीं है, झांसी में दीपक यादव जो घटना में नहीं था, कहीं मौजूद नहीं था, CDR में कहीं नहीं, आजकल तो इतना कुछ है, साइंटिफिकली आप टेक्नोलॉजी से प्रूव कर सकते हैं कौन कहाँ किस समय था। वो मौके पे नहीं, उसको जेल भेज दिया, ED CBI जितनी भी संस्थाएं वो सब पीछे लगा दी। रमाकांत यादव, मैं कितने नाम लूँ जो समाजवादी पार्टी के लोगों पर झूठे मुकदमे लगे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो नई परंपरा चलाई है, ये लोकतंत्र को खतरा पैदा कर रही है। लोकतंत्र में ये स्वस्थ व्यवहार नहीं है कि आप अपने पॉलिटिकल लोगों पर झूठे मुकदमे लगाएं। मुझे याद है जिस समय बिजली विभाग का प्रोविडेंट फंड उनके कर्मचारियों का एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया गया था, वो कंपनी जब भाग गई, कंपनी जब लॉस में चली गई, तो उस समय जिन अधिकारियों ने फैसला लिया था उनको जेल भेजा गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मैं इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और न जाने कितनी संस्थाओं का पैसा अपने सबसे प्रिय उद्योगपति को लगा दिया, आज कई लाख करोड़ का घाटा हो गया है, क्या उन अधिकारियों को भी जेल भेजा जाएगा जिस तरीके से प्रोविडेंट फंड को भेजने वाले अधिकारियों को सालों साल जेल रखा गया था? क्या भारतीय जनता पार्टी SBI, क्या भारतीय जनता पार्टी LIC के बड़े अधिकारियों को जेल भेजेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण है कि अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है सरकार का पैसा और वो प्राइवेट कंपनी अगर भाग गई है, तो उस समय के अधिकारियों ने जिन्होंने फैसला लिया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जेल भेज दिया गया। क्या इस तरह जो लाखों करोड़ रुपया डूब गया केवल दो कंपनियों में, क्या उनके SBI के, क्या LIC के बड़े अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा? और देश को तो सपना ये दिखाया जा रहा था कि दुनिया में वो सबसे बड़े उद्योगपति बन जाएंगे, नंबर एक पर उद्योगपति होंगे, लेकिन आज जब सूची देखते हैं तो 20 की सूची में भी वो नाम नहीं आ रहा है। आखिरकार कितना झूठ बोलेगी ये सरकार? उनकी तो वैल्यूएशन गई है, लेकिन जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था उन आम लोगों का पैसा चला गया। और ये सरकार कहती है कि हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, जिन कंपनियों ने MOU किया है क्या इन्वेस्टमेंट आएगा? और लखनऊ में जो तैयारी हो रही है इन्वेस्टमेंट की, कम से कम सरकार ये बताए कि पिछली बार इन्वेस्टमेंट कितना आया था जब पहले बार MOU हुए थे। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं 75% वो ज़मीन पर ले आए। मुरादाबाद में बताओ कोई बड़ा कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, अमरोहा में कोई बड़ा कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, रामपुर में बड़ा कोई कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, या सरकार के प्रयासों से बरेली में कोई कारखाना ना लगा हो। जब इन जिलों में और हम आसपास के जिलों में उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि कहीं भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, तो हम कैसे मान लें कि जो MOU हो रहे हैं वो सच MOU हो रहे हैं? और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कागज लेकर के घूमते हैं और कहीं कोई अगर टाई पहने और सूट पहने दिख जाए उससे MOU कर लेते हैं। 5 लाख करोड़ का तो ज़मीन पर पहुँचा नहीं, अब तैयारी है न जाने कितने लाख करोड़ की, तो क्या ज़मीन पर पहुँचेगा? ये भारतीय जनता पार्टी जनता को धोखा दे रही है। जिस तरीके से नंबर एक पे उद्योगपति पहुँचाने का सपना दिखाया था, वो पता नहीं उद्योगपति कहाँ पहुँचेंगे। और अभी तो शेयर गिर रहे हैं, पूरी सरकार लगी है बचाने में, पूरा तंत्र लगा हुआ है बचाने में, पूरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लगी है बचाने में। तो सोचिए, जब एक उद्योगपति के साथ इतनी इंस्टीट्यूशंस हों वो नहीं बच पा रहा है, तो और आम व्यापारी उद्योगपतियों का क्या होगा? जब देश का इतना बड़ा उद्योगपति डूब रहा है, तो उस इन्वेस्टमेंट के बहाने उत्तर प्रदेश में कौन इन्वेस्टमेंट करने आएगा? साथ ही इस दौरान उनके साथ सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां, सांसद डॉक्टर ST हसन समेत बड़ी संख्या पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।